नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आज हम बात करेंगे नमक के बारे में। जी हाँ, सॉल्ट। नमक का जीवन में बहुत उपयोग है। दाल या सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो नुकसान, और कम हो तो भी नुकसान। नमक हमारी एज यानी कि आयु बढ़ाता भी है और नमक की आयु घटाता भी है। नमक का उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको वहीं खाद्य पदार्थ में यानी कि फूड में उपयोग होते नमक के प्रयोग को नहीं बताने जा रहे हैं। वैसे तो नमक के ढेरों उपाय हैं, लेकिन हम तो नमक के ऐसे कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिनको जानकर शायद आप हैरान रह जाएं। नमक कई प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक होता है, जिसे पहाड़ी नमक कहते हैं, समुद्री नमक, काला नमक, सामान्य नमक, पिंक सॉल्ट भी आजकल निकला है। ज्योतिष की अगर मैं बात करूँ तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना गया है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। सावधानी और सलाह क्या है, चलिए जान लेते हैं। नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ये रोग और शोक का कारण भी बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखना चाहिए और वहीं उसका बुरा असर नहीं होता है। नमक का गिरना कई लोग अच्छा नहीं मानते हैं। बल्गेरिया और यूक्रेन, रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक भी माना जाता है। भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। भोजन पकाते समय भोजन को कभी चखे नहीं, उससे भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और कहा जाता है कि धन की कमी आती है। नमक कम हो जाएगा तो बाद में डाल दिया जाएगा, कई लोग ऐसा भी करते हैं। भगवान को भोजन यानी कि नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखें। नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया जाता है। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए, ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब हो जाते हैं। ध्यान रखें, भोजन पकाते समय भोजन को चखें नहीं, उससे भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और धन की कमी आती है। नमक कम हो जाएगा तो बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखना चाहिए। यदि करना ही है, चखना ही है, सुखी जीवन यदि सुखी जीवन चाहते हैं तो यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, उसका नमक नहीं खाना चाहिए, उसका मीठा खा सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कि धन खराब तरीकों से कमाया है, या फिर ऐसा है कि जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उनके यहाँ का नमक कभी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके जीवन में भी उसका जो है वो सामान होने लगेगा, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी होने लग जाएगी। हर कहीं का नमक या नमकीन नहीं खाना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कहा जाता है मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हों और जो धर्म सम्मत जो है आचरण करता है। धन की कमी दूर करने के लिए क्या करा जाए? सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर जब आप घर में पोंछा लगवाते हैं तो उस समय पानी में थोड़ा साबुत खड़ा नमक, समुद्री नमक मिला लेना चाहिए। इस उपाय से उस घर की नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो दूर हो जाती है और इन्वायरमेंट जो है, वातावरण पवित्र हो जाता है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है और घर में बरकत भी बनी रहती है। धन का प्रवाह बना रहे यानी कि पैसा आता रहे, घर में पैसा आता रहता तो ठीक रहता है। कांच का एक ग्लास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोण में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें। जब भी पानी सूखे तो इस ग्लास को साफ करके दोबारा नमक डाल के रख दें। बाथरूम में और टॉयलेट में यदि दोष है, आप मुक्ति चाहते हैं, वास्तु दोष है, या फिर ऐसा लग रहा है कि धन एकदम आता है और चला जाता है, नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला है। केमिकल ऐसा है जो हर तरीके की नेगेटिविटी दूर कर लेता है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक, समुद्री नमक भरें और उस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाती हैं। हर माह ये कटोरी बदल दें, मैं कहती हूँ हर सप्ताह भी बदलें तो बेहतर रहेगा। पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। टॉयलेट में कांच के बोल में क्रिस्टल सॉल्ट जो है दरदरा नमक भर कर रखें। 15 दिन बाद बदल दें, पहले टॉयलेट के सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हो तो इसके दरवाजे पर रोरिंग लायन का फोटो पेस्ट कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि नज़र लग जाती, कहते हैं, मानते हैं, कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। यदि आप मानते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को किसी नज़र लग गया, टोका लग गया है, तो 7 बार एक चुटकी नमक लेकर उस पर उतार कर क्लॉकवाइज उतारेंगे सर से पांव तक, उसे बहते हुए पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डालकर रख दें।
इससे कि नजर दूर हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी जो ऑरा में आती है बेसिकली वो दूर हो जाती है। और व्यक्तिगत बाधा को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम ना मिले तो नमक को सर के ऊपर वार कर बाथरूम में डालकर फ्लश चढ़ा दें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं यदि वास्तु दोष चल रहा है तो ऐसे में क्या किया जाए। वास्तु दोष मिटाने के लिए मिला जुला वास्तु दोष हो जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, मन में खिन्नता आ जाए, थोड़ा सा स्ट्रेस रहे, चिंता हो, डर लगे अनजान चीज़ों का, दोनों हाथों में साबुत नमक भर कर कुछ देर रखें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। धन प्राप्ति और बरकत के लिए नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक यानी कि इनकम शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहेगी। इसे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। यदि रोग बहुत सताते हैं, एक घर में एक के बाद एक इंसान बीमार पड़ता रहता है, तो सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें, इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। रोग से बचने के लिए कॉमन सॉल्ट यानी कि साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए, उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग करना चाहिए। भोजन के दौरान भी यही उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है और उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें, 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रख दें, धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। कई बार शनि का दुष्प्रभाव इतना हो जाता है कि उससे बचने के लिए क्या किया जाए। यदि भोजन करते समय, खाना खाते समय आपको लगे दाल या सब्जी में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक नहीं डालना है। ऐसे में काला नमक या फिर मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहा जाता है कि शनि का दुष्प्रभाव बढ़ जाएगा। कुंडली में चंद्र और मंगल यदि कमजोर है, अगर कुंडली में चंद्र भी कमजोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आपको ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन आपके कुंडली में मंगल भी कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार लोगों को स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत होती है, मन की बेचैनी को कैसे हटाना है। यदि आपका मन बहुत अशांत रहता है, विचार चलते रहते हैं, किसी प्रकार की चिंता से हमेशा ग्रस्त रहते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य खराब होता जाएगा। नमक मिले हुए जल से स्नान करें यानी कि सी सॉल्ट वाले पानी से 1 मग में मिलाकर पहला रिंस इससे लें। शरीर शुद्ध हो जाएगा, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। घर में बहुत झगड़ा होता है, खासकर हस्बैंड लाइफ में किसी भी बात को लेकर अनबन हो जाती है, ग्रह क्लेश चलता है तो किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है। सेंधा या खड़ा नमक का एक टुकड़ा बेडरूम के एक कोने में रखें, इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें। तो नमक का छोटा उपयोग है, आप चाहें तो अपने घर में आजमा सकते हैं। ऐसी खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल आस्ट्रो तक पे। नमस्कार।